दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा विधायकों की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बात की। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर बीजेपी सीबीआई और ईडी की रेड करवा कर डराना चाहती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया को ऑफर दिया कि अगर आप आम आदमी पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और जितने भी आप पर मुकदमे हैं सबको रफा दफा कर दिया जाएगा। ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एक्साइज का घोटाला हुआ है। और नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने निवास पे आम आदमी पार्टी के सभी चुने हुए विधायकों को बुलाया था। बैकग्राउंड ये था कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एक्साइज का घोटाला हुआ है और मनीष सिसोदिया जी उसके सबसे बड़े आरोपी हैं। उन आरोपों के चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने पहले ही कह दिया अब मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई और ईडी का चंगुल कसा जाएगा।